नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बनी है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं परमानेंट वैकेंसी की। तो ये देख सकते हैं, ये एम्स रायबरेली के द्वारा निकली हुई वैकेंसी है। ये ऑफिशियल इसकी साइट है, ऑफिशियल साइट से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं या PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से। तो दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है और यानी परमानेंट वैकेंसी है। इसमें पोस्टों की बात करें तो देख सकते हैं, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर रीडर दो पोस्ट है नर्सिंग की, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन नर्सिंग की 3 पोस्ट हैं और ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 12 पोस्ट हैं। काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। उसके बाद देखते हैं अपने क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर और साथ में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ में, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि PhD है तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर रीडर इन नर्सिंग की पोस्ट है, इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो या फिर यूनिवर्सिटी हो। साथ में रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ ज़रूर होना चाहिए वो, और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर MSc। और यदि MSc किया तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। साथ में PhD इन नर्सिंग है तो यहाँ पर प्राथमिकता आपको मिल जाएगी। उसके बाद पोस्टें आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर इन नर्सिंग की, तो इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर, साथ में रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 5 साल का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका नर्सिंग टीचिंग के अंदर। उसके बाद पोस्टें आती हैं ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की, तो इसके लिए यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, कोई भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके अतिरिक्त बात करें तो रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ होना चाहिए काउंसिल के अंदर, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं बताया कि कहाँ के अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग वालों को। उसके बाद डिजायरेबल की बात करें तो MSc नर्सिंग करके या इसने मास्टर नर्सिंग करके मास्टर नर्सिंग के अंदर जो मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसको वहाँ पर प्राथमिकता दे दी जाएगी। अब देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन तो इसकी ऑफिशियल साइट से भी प्राप्त कर सकते हैं या PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और अप्लीकेशन है वो 3/5/2023 शाम को 5 बजे तक यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे आप। तो अप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 3/5/2023 रहने वाली है। पे स्केल की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल लेवल 12 के अनुसार 1,23,000 से 2,15,900 रुपये मिलने वाले हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की भी पोस्ट है, यहाँ जो पेमेंट है वो 78,000 से लेकर 2,09,200 रुपये मिलने वाली है। लेक्चरर इन नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये मिलेंगे। ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो यहाँ पर 56,400 से लेकर 1,77,500 तक आपको मिलने वाले हैं, पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अप्रेज की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लिनिकल जो ट्यूटर है या इंस्ट्रक्टर है उसकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एज की काउंटिंग है उसकी लास्ट डेट को आधार मान के की जाएगी। एज रिलैक्सेशन में छूट भी मिलेगा, यहाँ पर SC ST के कैंडिडेट्स को 5 साल का मिलेगा, OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल का मिलेगा, PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का यहाँ पर छूट मिलने वाली एज में। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको 5 साल का यहाँ पर छूट मिलेगी, एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है, ये देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर चुके हैं और उसके बाद अपने बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस भी पेमेंट ज़्यादा है तो एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा मिलेगी। तो जनरल या OBC या EW से कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये फ़ीस रहेगी, SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 रुपये फ़ीस रहने वाली है। जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की फ़ीस यहाँ पर जमा नहीं करवानी है। और एप्लीकेशन फ़ीस और इसका जो फॉर्म है आप इसकी ये ऑफिशियल साइट की लिंक है, इस लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और फीस जमा करवा सकते हैं, फीस रिफंड नहीं होगी आपकी। अन्य कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं वो आप देख सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इसकी मेल आईडी, इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं या इनकी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं तो इन पर भी आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वैकेंसी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, या चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।